क्या आपने कभी रॉ बनाना के फ्लावर के थालीपीठ बनाए हैं फ्रेंड्स? अगर बनाए होंगे तो प्लीज़ मुझे भी रेसिपी शेयर कीजिएगा, या फिर कहाँ से देख रही है वो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आज मैंने सोचा कि आपको ऐसी ही कुछ रेसिपी बताई जाए। बहुत रेसिपी सर्च करने के बाद मैंने ये रेसिपी ट्राई की है, तो आप भी प्लीज़ ये ट्राई कीजिएगा। महाराष्ट्र लोगों में बहुत बड़ा अभी फेस्टिवल आ रहा है, वो है आषाढ़ी एकादशी। उस दिन विट्ठल रुक्माई का दर्शन एक साथ लिया जाता है। पंढरपुर में बहुत बड़ी भीड़ होती है फ्रेंड्स, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, पर हमें फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो तो आज की ऐसी ही कुछ छोटी सी रेसिपी हमने ट्राई की है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे मैंने एक कप रॉ बनाना का फ्लावर ले लिया है। अभी आप कहोगे ये हम कहाँ से ले, हमारे यहाँ तो बनाना कच्चा ले आते हैं, उसी को धूप में सुखा के मिक्सर में ग्राइंड करते हैं और इसे बारीक पीस लेते हैं। पर आपके यहाँ आजू बाजू के जनरल स्टोर में या फिर मॉल में ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमें एक कप लेना है। उसी के साथ हमारा रेशो है, हमें पीनट्स लेने हैं हाफ कप। इससे ही ये बहुत टेस्टी बनेगी, आगे की फुटेज में देख रहे हो आप वैसे ही। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पहले ले लिया है, एक बड़ी सी थाली लेनी है, उसमें ये हमें बनाना का आटा डालना है। उसके बाद टीस्पून जीरा ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप साबुत जीरा भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने रेड चिली का यूज़ किया है, आपको अगर ग्रीन चिली डालनी है तो वो भी डाल सकते हो। इसी के साथ मैंने वो पीनट्स भून लिए थे और उसका दरदरा पेस्ट बना लिया था, वो भी हमें इसमें ऐड करना है। और इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक ऐड कर दिया है। अभी आप कहोगे ये पूरी तरह से सॉफ्ट कैसे बनेगी, तो इसी का राज है यह घी। हमें हाफ टी स्पून घी डालना है फ्रेंड्स। उसको अच्छे तरह से मसल मसल के हमें आटा गूंदना है, उसका सेमी स्टिक आटा हमें गूंदना है, ना ही कि ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही कि ज़्यादा मुलायम होना चाहिए। ये आटा हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे फ्रेंड्स और उसको एक साइड में रख देंगे। 10 मिनट के लिए हमें आटे को रेस्ट करवाना है। अब हमें आलू की सब्जी भी फ्रेंड्स बनानी है, पर इस आलू की सब्जी में ना ही लहसुन डलेगा और ना ही अदरक डलेगा, ये उपास की है, इसीलिए हमें इसको ऐसे ही बनाना है। उसके लिए मैंने 2 आलू उबाल लिए हैं, उसके छिलके निकाल लिए हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ग्रीन चिली ले ली है और 1.5 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, और वही जो हमने मूंगफली के दाने भून के उसको बारीक दरदरा पीसा था वही इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। अब हमें एक फ्राइंग पैन ले लेना है, उसमें हमें 3 से 4 टेबलस्पून घी डालना है। घी से टेस्ट बहुत अच्छे से बढ़ता है फ्रेंड्स, अगर आप ऑयल में करना चाहते हो तब भी चलने वाला है, पर मुझे घी की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। जीरा डाल दिया है, जीरा चटक जाए तब हमने मिक्सी जार में ग्रीन चिली को पीस लिया था दरदरा, उसकी पेस्ट ऐड कर दिए। थोड़ी सी पेस्ट भून जाए उसमें हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है फ्रेंड्स। नमक चिली ऐसे घी में अच्छे से भून जाए, उसके बाद मैंने आलू को चॉप करके रख दिया था वही उसमें आलू डाल के मिक्स कर देंगे। उसी के साथ हमें उसके ऊपर जो हमने दरदरा पीनट्स का बनाया था पेस्ट वो ऐड कर देना है। आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, मैंने ग्रीन चिली अलग से पीसी थी, अगर आप बड़े बड़े डालने चाहते हो तो वैसे भी आप चॉप करके डाल सकते हो। गार्निशिंग के लिए हमें डाल दी है धनिया, अगर आप फास्टिंग में नहीं खाते हो तो आप मत यूज़ कीजिएगा। चलो हमारा अभी ये थाली पीठ का जो हमने मिश्रण गूंद के रखा था रेडी हो गया है, उसको फिर से हम एक बार गूंद लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। उसके बाद मैंने एक ऐसे वाइट कॉटन का कपड़ा ले लिया है, पानी में भिगो दिया था मैंने उसको, और उसके ऊपर एक गोला लेके हम उसको पानी की सहायता से उसको अच्छे से शेप दे देंगे। आप देख सकते हो वीडियो में मैं किस तरह उसको उंगलियों से ही आगे आगे बढ़ाते जा रही हूँ और नीचे जो चकला रखा है वो मैं घुमाते जा रही हूँ।
उसको अच्छे से राउंड शेप आने के बाद उसमें मैंने छेद बना दिए हैं। अभी हमने फ्राइंग पैन रख दिया है फ्रेंड्स, फ्राइंग के ऊपर हमने वैसे ही वो पलटा दिया था। आप अभी देख सकते हो हमारा थाली प्लेट कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। बीच में उसको फ्राई होने के लिए मैंने घी डाल दिया। हमारे थाली प्लेट पूरी तरह से रेडी है फ्रेंड्स। एकादशी के उपास के लिए हमें ये थाली प्लेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक थाली प्लेट भी खा लेते हो फ्रेंड्स आलू के सब्जी के साथ, तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आप ऐसी ही मेरी रेसिपी देखते जाइए और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। आप अगर ऐसे करते हो तो फिर आपको इस बातों का नोटिफिकेशन आता रहेगा और मेरी नई नई रेसिपी आपके तक पहुंचती रहेंगी फ्रेंड्स। तब तक अलग रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।